Assalamualaikum, Assalamu alaikum. How are you, my friends? I hope so you are fine. As you know that I was enrolled at Saint Thomas University for my PhD in computer science. That's why today I'm going to upload a video so that I can show you my hostel or my home of Saint Thomas University. Before coming here, I was at Hunan University, but now I'm currently here in the Saint Thomas University. The dome of this university is very beautiful. I really like it. And today I'm going to show you this dome, this hostel. एक्चुअली ये मेरा एक रूम है और पीएचडी वालों के लिए सिंगल रूम है. जो मास्टर वाले हैं उनके लिए डबल रूम है, यानी कि एक रूम के अंदर दो लोग हैं. लेकिन जो पीएचडी वाले हैं उनके लिए सिंगल रूम है और बालकनी एंड किचन वाशरूम हर चीज़ ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है. आई रियली लाइक थी ऑल दिस थिंग्स. तो अब मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने हमें दी हुई हैं और किस तरह का रूम है. ये मेरा रूम है और ये सारा वो हॉस्टल है. ये सारा यानी कि रूम्स बने हुए हैं एंड तक, और इसी तरह से ये इस साइड पे भी रूम्स बने हुए हैं. इनकी काफ़ी लेंथ है इसकी डोम की, इस हॉस्टल की. तो अभी ये वाला मेरा रूम है और यहाँ पे की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि हम कीज़ वगैरह यूज़ नहीं करते, हम कार्ड यूज़ करेंगे. इस कार्ड को मैं स्कैन करूँगा और ये मेरा रूम ओपन हो जाएगा. तो ये देखें, ये एंटर होने के बाद ये मैंने अपना थोड़ा सा, यानी कि ये गर्म पानी का पाइप है. यहाँ पे गर्म पानी वगैरह जो ऊपर से नीचे वाली फ्लोर्स में आ रहा है. ये हमारा वाईफाई का रोटर्स लगा हुआ है. ये हमारे पास ऑन ऑफ लाइट वगैरह स्विच वगैरह है. और ये मैंने बास्केट वगैरह रखी हुई है कूड़े वगैरह के लिए. और ये शूज़ वगैरह हम अंदर कर लेते हैं. और एक्चुअली इन्होंने हमें ये दिए हुए थे ऊपर सोने के लिए. ये ऊपर जो बेड मिला हुआ है ना, ये सोने के लिए था, क्योंकि लोग ऊपर जाके सोएं, जब ऊपर सोते हैं तो सेम फीलिंग वही आती है जैसे कि ट्रेन में सो रहे हैं आप. ए सीरियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मैंने उसको यूटिलाइज़ इस तरह से कर लिया है कि मैंने अपना जितना भी सामान था 3-4 साल का, वो सारा मैंने यहाँ पे रख लिया है. और मैंने अपना नीचे मैट्रिस वगैरह यानी कि बिछाया हुआ, मैं यहाँ पे नीचे सोता हूँ. ये सब कुछ हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिला है. ये कुलट वगैरह और पिलोज़ वगैरह ऑल एंड एम थिंग वॉज कवर्ड बाई द यूनिवर्सिटी. और यह सब कुछ हमें यूनिवर्सिटी ने ही प्रोवाइड किया. तो मेरी ये सोने की जगह है, यहाँ पर मैं सोता हूँ बिकॉज़ आई रियली फील कम्फर्टेबल हेयर. तो इसी तरह से आ जाएं, तो ये मैं हुनान यूनिवर्सिटी में जब था तो तब ही मैंने ये चेयर वहाँ पे रखी हुई थी. तो जब मैंने यहाँ से मूव किया, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी तो बहुत करीब करीब हैं, तो मैं अपनी ये जो चीज़ें थी वो सारी अपने साथ ही ले आया था. मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ इस चेयर के ऊपर, दैट्स वाई आई जस्ट केम हेयर विद ऑल दीज थिंग्स. और उसके बाद ये एक अलमारी है, ये शेल्फ़ बनी हुई है. इसके अंदर मैंने सारे अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, यानी कि जो भी मेरे कपड़े गर्मियों के या सर्दियों के या जो भी चीज़ें हैं मैंने सारी इसके अंदर रखी हुई हैं. दो इसके रखे ऊपर एंड बने हुए हैं और नीचे बना हुआ है. उसके बाद ये भी एक शेल्फ़ बनी हुई है. इस शेल्फ़ में आप अपना बाकी ज़रूरत का सामान रख सकते हैं, लाइक दैट मैंने शुगर वगैरह रखी हुई है, चाय वाली पत्ती होगी या साल्ट वगैरह, कोई भी चीज़ आप जो अपने खाने पीने का सामान है वो आप सारा इसमें रख सकते हैं. उसके अलावा ये एक ऑफिस टाइप भी कह सकते हैं आप, कि रूम के अंदर ही उन्होंने एक ऑफिस दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट अपना इजीली काम कर सकें. उसके बाद ये मेरी जब मैंने स्टडी वगैरह करनी होती है तो यहाँ पे बैठता हूँ. क्योंकि सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो नीचे मैंने सर्दी के लिए ये एक हीटर रखा हुआ है. ये वही है जैसे कि पाकिस्तान में हम क्या करते हैं कि आग वगैरह जलाते हैं ना, तो उसी तरह से इसकी फीलिंग्स आती हैं. दैट्स वाई आई पुट हेयर. ये हीटर रखा हुआ है. ये लैपटॉप है जो कि मैंने यहाँ पे आके लिया था सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में. ये बहुत मज़े का लैपटॉप है, अभी लॉन्च हुआ था 2022 में. ये है लिनोवो का है, थिंक बुक है ये. और इसकी जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 8000 है, जो कि अभी पाकिस्तान के आप लगा सकते हैं साहब के हेड फॉर ऑलमोस्ट अबाव 3 लाख है इसकी जो प्राइस अभी करंटली अगर देखी जाए तो. क्योंकि इसका मुझे प्रोसेसर वगैरह बहुत अच्छा लगा था, 3.3 GHz था, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा. और मेरा प्लान तो नहीं था, लेकिन मैं जब मार्केट गया तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसकी शेप बहुत अच्छी लगी मुझे, स्लिम है ना काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला बाय कर लिया था. और ये वाला लैपटॉप चूँकि मुझे मिला था, ये हुनान यूनिवर्सिटी से लिया था मैंने. और इसकी जो ये मुझे मिला था 10,000 RMB का, 10,000 RMB यानी कि अभी वो पाकिस्तानी जो बनेंगे 4,30,000 बनेगा. यानी कि ये 4,30,000 का ये लैपटॉप था और ये वाला था. और उसके अलावा ये सारी मैंने लाइटें वगैरह यहाँ पे लगाई हुई हैं. ये
बहुत मज़े का सीन है जब मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ रात में, या मैं कोई मूवी वगैरह देखनी होती है तो फिर मैं ये सारी लाइटें ऑन कर लेता हूँ। मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये मैंने एक बास्केट रखी हुई है ताकि जो मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मुझे नहीं चाहिए, जो पेजेस वगैरह जो भी फालतू हैं, वो सारे मैं यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये मेरी इस काम के लिए है। वो दूसरी जो बास्केट है वो बाकी चीज़ें फेंकने के लिए है। ये मैंने स्पीकर रखे हुए हैं यहाँ पे। बास्केट मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, दैट्स वाई के आई रियली लाइक द म्यूज़िक एंड मूवीज़। स्लो साउंड में मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसलिए मैंने बफर टाइप म्यूज़िक रखे हुए हैं। ये मैंने ऊपर रखा हुआ है, स्टैंड है मोबाइल का। जब कभी मैंने बाहर जाना होता है तो मैं ये स्टैंड सेल्फ स्टिक यूज़ करता हूँ। और ये जायनमाज है जहाँ पे हम नमाज़ भी रूम के अंदर ही पढ़ते हैं, बिकॉज़ मॉस्क यहाँ पे नहीं है। और जस्ट जुमे वाले दिन हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और वो काफ़ी दूर है मॉस्क जो है यहाँ से। अच्छा, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने फ्रिज रखी हुई है, ये छोटी सी फ्रिज है, यानी कि एक सिंगल बंदे के लिए ये इनफ है। इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। दिस इज़ वाटर डिस्पेंसर बिकॉज आई डोंट लाइक द कोल्ड वाटर, आई रियली लाइक द हॉट वाटर, दैट्स वाई आई पुट दिस वन ऑन द टॉप ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर। और ये साथ में अचार का डब्बा पड़ा हुआ है बिकॉज मुझे अचार बहुत पसंद है, और ये नेचुरल वालों का जो अचार है वो सेम पाकिस्तानी ही लुक देता है। तो आइए बाकी देखते हैं। अब बात कर लेते हैं बालकनी की। तो ये बालकनी की फैसिलिटी भी हमें दी हुई है इन्होंने। ये हमें इन्वर्टर भी मिला हुआ है ताकि हम सर्दियों में इसको एज ए हीटर यूज़ कर सकें, और गर्मियों में एज ए सी एयर कंडीशनर यूज़ कर सकें। और ये बिकॉज़ ये रूम जो है वो न्यू बना है, और ये डोम भी न्यू बनी है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें न्यू ही प्रोवाइड की गई थी। अब अगर बात कर लें हम बालकनी की, तो बालकनी का ये डोर हमने ओपन किया, ये मिरर टाइप लगी हुई है, और यहाँ पे बाहर आते हैं तो ये मैंने छोटी सी एक बालकनी है। ये सारे मैंने कपड़े अपने ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि मैंने आज ही कपड़े वॉश किए थे, और ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इसकी लाइट ऑन करूँ तो ये सारा इसका सामान मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है। छोटी सी बालकनी है लेकिन इनाफ है एक सिंगल बंदे के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये मेरे पास योगर्ट मेकिंग मशीन है, इसके अंदर हम दूध डाल देते हैं और थोड़ा सा दही इसमें डाल देंगे तो ये योगर्ट ऑटोमेटिकली इसमें बन जाएगा विद इन 8 to 9 आवर्स, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द वेदर। ये मेरे पास ब्लेंडर नीचे पड़ा हुआ है जूस वगैरह कोई बनाने के लिए, मेरे शेक वगैरह, छोटा सा टेबल पड़ा हुआ है। और ये इस बालकनी के बाद आगे फिर इधर ये थोड़ा सा हमें एरिया मिला हुआ है, यहाँ पे मैं जो शूज़ वगैरह हैं मेरे पुराने, या जो भी मैं यूज़ नहीं करता, या जो मेरे बर्तन वगैरह हैं वो सारे रख लेता हूँ। ये नीचे रोड है, यहाँ पे बाहर आप जिस देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, और हमने अभी सहरी की है। सहरी के बाद इसके बाद मैंने सोना ही है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी टाइम है मेरे पास, मैं वीडियो कैप्चर कर लूँ। अभी सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, एक चीज़ रह गई है। कौन सी चीज़ रह गया? वो रह गया है वाशरूम। तो अभी चलते हैं वाशरूम, देखते हैं कि वो इस यहाँ पे किस तरह का है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि हुनान यूनिवर्सिटी का भी वाशरूम आप लोगों ने देखा था। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि ये काफ़ी ओपन है और इसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो अभी इसको ये एग्जॉस्ट इसका ऑन करते हैं और लाइट ऑन करते हैं, तो इसको देखते हैं। ये भी मिरर टाइप लगा हुआ है, ये इसका वाशरूम है। ये आई होप सो ये बहुत अच्छा बना हुआ है, मैंने रखा हुआ है ये सारा सामान, मैंने अपना रखा हुआ है सारा जो जो मुझे चाहिए। और ये मिरर भी एक हमें दिया हुआ है। ये शावर है, ये मूवेबल है, आप इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और इसको नीचे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे भी इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आप इस विंडोज़ को ओपन करके बाहर सारा ये बाहर की तरफ ओपन होती है, यानी कि रूम को एयर पास आउट करने के लिए उन्होंने विंडोज़ वगैरह को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये इसके अंदर भी विंडोज़ हैं, बालकनी में भी विंडोज़ हैं, तो इनको यूज़ करके आप अपने रूम को फ्रेश रख सकते हैं। एक लुक हम देखते हैं लाइटिंग के साथ के रूम के अंदर किस तरह की लाइटिंग लगी हुई है। तो चलें जी ओपन करते हैं इसमें। ये देखें ये लाइटिंग के साथ है। जब मैंने कभी मूवी देखनी होती है तो फिर मैं इन लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट ये लगी हुई हैं। तो लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यानी कि एक रूम के अंदर ये आपके सोने की जगह भी है, आपके स्टडी रूम भी है, ऑफिस टाइप भी है, और इसको मिनी क्लब भी कह सकते हैं आप। यानी कि अगर आपने कोई सॉन्ग सुनने हैं या फिर आपने कोई मूवी देखनी है तो आप यहाँ पे अपना इंजॉय कर सकते हैं।
बजाय कि आप किसी और जगह पे जाएं या बाहर जाके आप घूमें फिरें। मुझे ये बहुत मज़े की लगती हैं लाइट्स। अभी मैंने ये सारी लाइट्स मैंने वहाँ से ही लेके आया हूँ, हुनान यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैंने यूज़ की हुई थी और यहाँ पे आके मैंने इंसर्ट की हुई है। यहाँ पे मैंने कोई बाय नहीं की स्पेशल, मे भी कि एक आधी लाइट मैंने बाय की हो, और ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये छोटा सा बालू मैंने रखा हुआ है सामने, तो आप अपना स्टडी को इंजॉय भी कर सकते हैं यहाँ पे, और हर तरह से आप अपने इस रूम को जो है ना जिस तरह से आपका दिल करता है। अब हम एक लुक देखते हैं किचन को और वॉशिंग एरिया को, कि किचन किस तरह का है और वॉशिंग एरिया किस तरह का है। ये हमारा लॉन्ड्री रूम है, ये देखिए, और ये इस किचन में हम आ गए हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है और बहुत बड़ा है। ये हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव मशीन्स पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। ये कपड़े हम इस तरह से वॉश करते हैं कि हम कपड़े सारे लाके इस मशीन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, रख देते हैं, और फिर हम यहाँ पे कार्ड लगाते हैं। वही सेम प्रोसीजर है जो कि हुनान यूनिवर्सिटी में जो मशीन थी मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया हुआ था। तो कार्ड लगाएंगे और 0.10, वहाँ पे 3.5 RMB लगते थे लेकिन यहाँ पे 0.10 लगता है। तो 0.10 के साथ ये 40 मिनट्स चलती है, और ये आपके कपड़े वगैरह वॉश करके अच्छी तरह से उनको ड्राई करके आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपके कपड़े वॉश हो गए हैं, आके आपको पिक कर लें उनको। तो ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि हम परदेश में रह रहे हैं तो कपड़े हाथ से वॉश करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी है कि हमने कपड़े वगैरह डालने हैं, डिटर्जेंट डालना है और सर्फ़ डालनी है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें आके ले जाने हैं और उनको बस यूज़ करना है। ऑपरेशन रूम, ऑपरेशन रूम का मतलब ये नहीं है कि किसी बंदे का ऑपरेशन करना है, बल्कि यहाँ पे सब्जियों का ऑपरेशन करना है, चिकन का ऑपरेशन करना है, मीन दैट के हमने यहाँ पे कुकिंग करनी होती है। यहाँ पे 3 अदद फ्रीज़र पड़े हुए हैं, फ्रिज पड़ी हुई है, ये 1 2 3। यहाँ पे हम स्कैन करते हैं, तो एक बार स्कैन करते हैं तो 0.90 RMB हमारे कट हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें से हम 0.20 RMB में अपना अच्छी तरह से खाना बना सकते हैं, यानी कि 0.20 RMB में। और ये 3 अदद हमारे पास फ्रिज पड़ी हुई हैं, ये नीचे लॉकअप सारे लगे हुए हैं, ये सामान ओपन पड़ा हुआ है सारा, ये देखें सबका सामान ओपन पड़ा हुआ है, लेकिन आपके भाई का जो सामान है वो सारा है इसके अंदर। ये लॉक मैंने खुद लगाया हुआ है, बिकॉज़ आई वॉज द फर्स्ट वन हु केम हेयर इन दिस डॉर्म। जब सारे लोग पाकिस्तान में फंसे हुए थे कोरोना की वजह से या क्वारंटीन की वजह से, तो मैं अकेला बंदा था जो सबसे पहले यहाँ पे आया था इस डॉर्म में। तो आके सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे इसको हैंड ओवर किया था, इसके अंदर सारा सामान मैंने पुट किया है और मैं अपना लॉक लगा दिया है, क्योंकि मैं कम ही आता हूँ यहाँ पे, अगर मैं नहीं आऊँगा तो लोग मेरा सामान ले जाएंगे, इसलिए मैंने अपने सामान को इनसाइड लॉक किया हुआ है। ये गर्म पानी की मशीन पड़ी हुई है, हम इससे गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, जब अपनी डिशेज वगैरह वॉश करते हैं या कपड़े सॉरी डिशेज वॉश करते हैं तब हम गर्म पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रिज बिल्कुल न्यू आई है अभी, इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, इसको हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हर फ्लोर के ऊपर 3 फ्रिज पड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये अभी अभी न्यू आई है, इसको हम अभी वर्किंग कंडीशन में लेके आएंगे। ये जो सेम सेटअप है, ये सारा का सारा सेटअप हर फ्लोर पे है, और इस डोम के 5 फ्लोर्स हैं, तो हर फ्लोर पे सेम सेटअप है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को थोड़ा सा सीखने को मिला होगा। सीखने का मतलब ये है कि आप जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते वो देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ पे किस तरह के हॉस्टल होते हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अदर यू आर इन पाकिस्तान, अदर यू आर इन एन अदर कंट्री, यू कैन कंपेयर ऑल दीज सिचुएशंस, ऑल दीज रूम्स, ऑल दीज किचन एरिया एंड लॉन्ड्री एरिया विद द अदर वन, कि कौन सा बेस्ट है। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।